हाय, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की सभी को, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। और आज जो हम वचन से देखने वाले हैं, आइए हम लोग यूहन्ना के 14 में और वचन 27 से देखते हैं। और ये जो विषय है वो है परमेश्वर की शांति के बारे में। ओके, और दुनिया में लोग जो है शांति चाहते हैं अपने जीवन में, मन में शांति चाहते हैं। ओके, पीस ऑफ माइंड चाहिए उन्हें। कई बार प्रॉब्लम्स और लाइफ इतना इतना कुछ करवाती है हमसे कि एक रिलैक्सेशन चाहिए, एक छुट्टी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन कुछ नहीं, बस केवल एक थोड़ा सा अलग हो जाए सबसे और थोड़ी सी शांत रहे। और ये दुनिया के तौर तरीके हैं, बट यीशु मसीह यूहन्ना के 14 और 27 में वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और वैसी शांति नहीं जैसी कि ये दुनिया देते हैं, पर वो शांति जो इन सब बातों से परे हैं। जब हम दुनिया के तौर तरीकों से, दुनिया की बातों से शांति पाने की कोशिश करेंगे, मे बी वो कोई भी तरीका हो जिससे आपको थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है, वो आपको उस क्षण के लिए, उस समय के लिए शांत कर पाएगा। बट जब आप परमेश्वर की शांति की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर की शांति के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमें हमेशा शांत रखती है, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी परेशानी हो। और वो शांति हमें तूफान के बीच में भी देखने मिलती है, जीवन के उतार चढ़ाव में भी वो शांति देखने मिलती है। यीशु मसीह को जो एक नाम दिया गया है वो ये नाम है यशाया के 9:6 में कि शांति का राजकुमार। और प्रभु यीशु मसीह ही वो है जिन्होंने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ा, या एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति बनाई। ओके, हमें और उनको, हमारे और उनके बीच में जो अलगाव था कह सकते हैं, या जो अलगपन था, उसको दूर किया और हमें शांत किया। तो परमेश्वर ही वो शांति हमें देते हैं। इफिसियों के 2:13-18 में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमें जो है कलीसिया में लेके आए, हमारी शांति बनाई है। ओके, और कलौसियों के 1:20 में भी आप ये देखेंगे। ओके, तो परमेश्वर की ओर से शांति पाना, परमेश्वर की ओर से मन में हमारे शांतता रहना, ये बहुत ही एक तरीके से आशीष की बात है और अच्छी बात है, क्योंकि जीवन का जो कह सकते हैं कि दौड़ना है, या जीवन के अंदर जो हमें कार्य करने हैं, या कई बार अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से, या अलग अलग दिशाओं से जब हमारे ऊपर प्रेशर बनते जाता है, तो प्रभु जो है हमें शांति में बनाए रखते हैं। वो शांति हमें परमेश्वर की ओर से होना बहुत ज़रूरी है। वो हमें मदद करती है हमारे निर्णय लेने में, वो हमें मदद करती है किसी और को भी संभालने में जब वो परेशानी में है, दुख में है, और वो हमारी मदद करती है जब हम परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं। ओके, तो परमेश्वर हमें वो शांति में जो है बनाए रखते हैं। जब हमने बुद्धिमता के बारे में बात करते हैं याकूब की किताब में, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जो बुद्धिमता आती है, याकूब के 3:17 में, वो पहले तो पवित्र होती है और दूसरी वो शांत होती है। ओके, तो उसमें शांतता होती है, वो सीखने लायक होती है, करुणा से भरी हुई होती है,
दया से भरी हुई होती है, उसमें पक्षपात नहीं होता, उसमें उसमें जो है कोई कपट नहीं होता। पर जो महत्वपूर्ण बात है वो 18 पंक्ति में लिखी है कि धार्मिकता का जो फल है वो शांति में बोया जाता है, वो जो है शांतता से बोया जाता है। और यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा मूल चिन्ह है जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु लड़ाई के लिए नहीं, पर हमें शांत करने के लिए और हमें शांति में बनाए रखने के लिए आए थे। वो लड़ने के लिए आएंगे इस दुनिया से, उस लड़ाई के लिए आएंगे, यहूदा के 14 अध्याय में लिखा है। बट अभी के लिए हमें जो है वो शांत करना है। एक चिन्ह था जो उन्होंने दिखाया था मत्ती के 21 में, जब वो उस गधी के जो बच्चा था उस पर बैठ के आए थे। उनका मतलब क्या था कि वो शांति के लिए आए हैं, वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं। और हमें भी क्या करना है, हमें परमेश्वर की शांति में बने रहना है और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें शांत कीजिए, हमारे मनों को शांत कीजिए आज। और जब हम आपसे मांगे, जब हम आपसे वचन पढ़े, जब प्रार्थना करें, तो प्रभु हमें शांत रखना, हमें जो है आपकी शांति हमारे मन में बनाए रखना। और प्रभु जो है आपके मन को, आपके दिल को और आपके पूरे जीवन को एक शांति से भर देंगे। और आपको किसी बाहरी शांति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहरी तरीके से शांति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टियां मिले ना मिले और जाने का मौका मिले ना मिले कहीं पे, पर परमेश्वर जो है आपके मन में शांति बनाए रखेंगे। और यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको मौका भी मिले बाहर जाने का और एक दूसरे के साथ समय बिताने का, बट परमेश्वर से जो है उनकी जो शांति है वो हमारे मनों को, हमारे दिलों पे राज करती है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए और आप सभी के जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।